Students, start with the great name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are enjoying your summer holidays, but with enjoyment you have to study also. So this is the time. Welcome to the summer vacations and then enjoy your work summer task. Tips to follow: you complete your work, use these instructions while doing your work, and there are some rules and regulations given by your school in which you follow rules and regulations and do your work. In the end, you can contact if you have any confusions. Contact numbers are given. Then this is your syllabus of English, science and maths, and then Urdu. Urdu ka syllabus diya gaya hai. Niche notebooks bhi batayi gayi hain jis par aap apne school ke pattern ke mutabik kaam karenge. Second term ka syllabus provide kiya gaya hai. Now discipline English ki taraf move karte hain. English mein aapke syllabus ko identify kiya gaya hai. Relevant pages mention kiye gaye hain English ke jis par aap dekh ke apna kaam kar sakte hain aasani se. Page number 65 par aapko kuch kaam diya gaya hai ki aapne modal verbs ki list banani aur isko use karna hai apne sentences mein. Then page 73 pe aapko collective noun diya gaya hai, uske bare mein bataya gaya hai. Then अपने कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करना सेंटेंसेस के अंदर. फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड इन द बीच. हियर अ लॉट ऑफ पीपल इज अ कलेक्टिव नाउन. इट्स एन एक्टिविटी अबाउट यू इन विच यू राइट अबाउट योर सेल्फ एंड देर इज अ पैराग्राफ यू हैव टू रीड एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस. उसके बाद आप डिसिप्लिन मैथ्स की तरफ मूव करते हैं. मैथ्स में आपको मैथ्स का सिलेबस प्रोवाइड किया गया है जिसको फॉलो करते हुए अपने अपना काम करना है. मैथ्स के कुछ एक्सरसाइजेस हैं पेज नंबर 49 पे, या आपने अपने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 6 को कम्प्लीटली फॉलो करना है और करना है. उसके बाद आपने इसके अंदर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, आपने वो करनी है. एक्टिविटी दी गई है, वो परफॉर्म करनी है. उसके बाद उर्दू के सिलेबस की तरफ मूव करते हैं. या आपको उर्दू का हॉल सिलेबस है, इसको आपने अपनी कॉपी पर करना है. देन इस्लामियात, इस्लामियात में आपने क्या करना है कि आपको कुछ सरगर्मियाँ दी गई हैं लाइक सरतकाचार्य आपने करना है. उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनको रीड करके अपने रेलिवेंट आंसर देना. आप इंटरनेट से भी मटेरियल ले सकते हैं, डिफरेंट बुक्स से भी ले सकते हैं. ये आपकी अनदर एक्टिविटीज़ को आपने परफॉर्म करना है. देन साइंस की तरफ मूव करते हैं. साइंस का सिलेबस आपको दिया गया है, इसमें रेलिवेंट पेज नंबर भी मैंशन हैं जिसको आप देखते हुए अपना काम करना है. पेज नंबर 16 पे आपने स्ट्रक्चर ऑफ आई का ड्रा करना है. देन आपने अपनी समर टास्क को डेकोर करना है, उसको सबमिट करवाना है. थैंक यू.